दसवीं बारहवीं और फाइनल ईयर वालों, ये वीडियो तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम लोग यहाँ पे आके अपना टाइम पास मत करो, तुम लोग जाओ पढ़ो लिखो। भाई तुम लोग बहुत क्रूशियल स्टेज पे हो, मुझे बुरा लगता है भाई, ऐसे मत किया करो, दिल से बुरा लगता है। और भाई बाकी के जो लड़के हैं तुम लोग यहाँ जरूर रुको, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई तुम लोग कैसे कभी भी बिना रिजेक्ट हुए कैसे लड़कियां पटा सकते हो। देखो भाई मैं तुम लोगों को साफ बताता हूँ, इस वीडियो में मैं जो एडवाइसेस दूंगा वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक और इलीगल है। तो भाइयों मुझे भी पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन ये काम करती है। तो भाई प्लीज अपने प्रिंसिपल्स आप लोग अपनी जेब में डालिए, और जिनको सीरियसली जल्द से जल्द गर्लफ्रेंड चाहिए भाई वही इस वीडियो पे बने रहे। तो चलिए भाइयों गर्लफ्रेंड पटाते हैं। सबसे पहले तो भाई तुम लोग कम से कम 3 या 5 लड़की से दोस्ती करो। मैंने बोला है दोस्ती करो, एक दूसरे को जानो पहचानो, फ्रेंड जोन और भाई बन के मत चले आना। बस ऐसा रखो कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, ना हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ना ही हम भाई बहन हैं। और भाई जिन लड़कों के पास लड़कियां दोस्त भी नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता दूं भाई, सबसे पहले अपना एटीट्यूड इस तरह का डेवलप करो कि तुम बहुत जल्दी फीलिंग्स नहीं आती है तुम्हारे अंदर, तुम्हें बहुत जल्दी किसी लड़की से प्यार नहीं होता है। क्योंकि जेन्युइनली लड़कियां ऐसे लड़कों से दोस्ती करने में भी डरती हैं जिनके एटीट्यूड से समझ में भी आता है कि इस चूतिए को 2 मिनट भी नहीं लगता है और ये किसी भी लड़की के प्यार में गिर जाता है। क्योंकि इन केस अगर वो लड़की आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि मैंने इसको क्यों अपना दोस्त बनाया, अब ये मुझसे प्यार करता है और मैं इस चूतिए से प्यार नहीं करती हूं। तो ऐसी एक्टिंग करना शुरू करो कि भाई तुम्हारी बहुत सारी लड़कियां ऑलरेडी दोस्त हैं, बहुत जल्दी तुम्हें किसी भी लड़की से प्यार नहीं होता है, यू आर हेयर ओनली फॉर फ्रेंडशिप। और कभी कभार ताकि तुम फ्रेंड जोन में ना चले जाओ, हल्का फुल्का फ्लर्ट करते रहो, बहुत सेफ साइड रहोगे, कभी भी पत्ते पलट सकते हैं, तुम्हारी लॉटरी खुल सकती है। जब तुम्हारे बैकअप में 3 से 5 लड़कियां हैं, इसके बाद तुम्हारा एक्चुअल गेम शुरू होता है। घर से बाहर निकलो, नई लड़कियों से खुद को इंट्रोड्यूस करो। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कैसे इंट्रोड्यूस करना है, पूरा डिटेल में है, इस वीडियो के बाद उसको भी देखना, लेकिन अभी मेरी बात गौर से सुनो। नई नई लड़कियों से बाहर जाओ, मिलो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और पोलाइटली उनसे दोस्ती करो। एक बार दोस्ती हो जाती है 15-20 दिन में, अच्छा एक माइल्ड सा रिलेशनशिप बिल्ड करो और उसके बाद प्रपोज करो। ना बोले नेक्स्ट खटाक मूव, नो नेक्स्ट खटाक मूव, नो नेक्स्ट खटाक मूव, फटाफट ब्रो पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, काम करता है। बिल्कुल सेल्स में कैसे होता है भाई, तुम 10 लोगों को अप्रोच करते हो तो एक आदमी तुम्हारा प्रोडक्ट लेता है, और इसी तरह से भाई जब तुम 10-50 लड़कियों को प्रपोज कर दोगे तो उसमें तुम्हें एक आदमी तो भाई पक्का मिली जाएगी। बस शर्त यह है कि हर एक रिजेक्शन के बाद तुम कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहे हो अपने अंदर, कुछ ना कुछ चीजें अपनी पिछली वाली लड़की से सीख के नई लड़की में गलती नहीं कर रहे हो। और जब तुम्हारी पहले से ही काफी सारी लड़कियां दोस्त होंगी जो मैंने तुम्हें बैकअप में बोला है, उसके बाद जब नई लड़कियां नोटिस करेंगी कि इस लड़के के ऑलरेडी कई सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो जब तुम उन्हें प्रपोज करोगे तो वो तुम्हारे प्रपोजल को एक लिमिटेड टाइम ऑफर की तरह समझेंगी कि अगर मैंने इसको ना बोल दिया तो ये तुरंत नई लड़की के पास चला जाएगा, और अगर मैंने इसे हाँ बोल दिया तो ये लड़का मेरे लिए एक ट्रॉफी बन जाएगा, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों से ये लड़का अकेला मुझसे प्यार करता है। भाई ये टिप बड़ी गंदी है, बिल्कुल प्लेबॉय वाली है, बट ये काम करती है भाई। तुम में से जो लौंडे एक ही लड़की के पीछे अपना माथा फोड़ फोड़ के बर्बाद हो चुके हैं ना, तुम लोग थोड़ा टाइम ये कर लो। बस एक चीज बोलूंगा भाई, किसी का दिल अगर तुम तोड़ोगे तो कल तुम्हारा भी टूटेगा, ये मेरा श्राप है, तो इस शक्ति को सही तरह से यूज करना। तीसरी चीज, लड़कियों को समझ में आना चाहिए कि ये लड़का बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं होता बहुत जल्दी कि ये लड़का मेरी गले पड़ जाएगा और पूरी जिंदगी ये मेरे ही नाम का गीत गाता रहेगा। इतना भाव कभी भी मत देना। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारी लड़कियां अपने फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं होती इनिशियली, तो वो लोग आपके साथ रिलेशनशिप में आने का रिस्क भी नहीं लेती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं अगर बाद में मेरी फीलिंग्स चली गई तो ये लड़का तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो आपको पहले ही मना कर देती है। तो मेरे भाई आप अपने अंदर ऐसी इम्यूनिटी डेवलप कर लो कि भाई मुझे प्यार तो बहुत जल्दी नहीं होता है, हाँ अट्रैक्ट में हो जाता हूं। तो अगर थोड़ी कैजुअल कैजुअल फीलिंग आएगी, यू नो बहुत ज्यादा डीप फीलिंग्स और सीरियसनेस नहीं आएगी ना, तो लड़कियां एक्चुअली आपको चांस देंगी। और मैंने आपको पहले एक्चुअली बैकअप में इसीलिए बोला है क्योंकि आधे लड़कों को पता है क्यों प्यार हो जाता है भाई, रिप्लाई नहीं आता ना, तो उस रिप्लाई के बारे में सोच सोच के इंतजार कर करके ना भाई प्यार नहीं ऑब्सेस हो जाते हैं लड़की से। तो ऐसा मत होने दो अपने साथ, क्या करो
दो तीन जब तुम्हारी दोस्त रहेंगी ना, तो भले ही वो रिप्लाई नहीं भी कर रही होंगी, तो तुम्हें बाकी लड़कियों से अटेंशन मिल रहा होगा, जिसकी वजह से तुम ना ही उदास होगे और ना ही मैसेज का इंतजार करते करते पागल होगे, और ना ही तुम्हारा प्यार गहराएगा, थोड़ा कैजुअल ही रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा इस्तेमाल करो। और लास्ट में मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगा कि जो तुम्हारे चूतिए और निहायती बेवकूफ दोस्त हैं, उनको एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से, जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील नहीं कराते और खुद भी लूजर हैं और तुम्हें भी लूजर बनाते हैं। ऐसा कोई भी दोस्त जो तुम्हारे ये बोलने पे, भाई मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, तुम्हें ऐसा बोल देता है कि अरे ब्रो तूने उसकी औकात देखी है, तो अपनी औकात देख भाई, तू तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, ऐसे जो दोस्त है ना जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं, ऐसों को ना भाई लात मार दो। और ऐसे लड़के, भाई मेरे तो लौंडे दोस्त इतने हरामी है साले, उनको बोल दो ना भाई मुझे लड़की पसंद है, खुद से ही जाके जबरदस्ती बात कर देंगे, और ना भी बोलो तो भी चले जाएंगे लड़की के पास, यू नो माई फ्रेंड फाइंड्स यू रियली क्यूट, वुड यू लाइक टू डांस विद हिम एंड स्टफ। तो भाई ऐसे लड़के ढूंढो जो तुम्हें पुश करे, कम ऑन सार्थक, यू कैन गो फॉर इट, डू इट डू इट डू इट ब्रो। ऐसे वाले लौंडे लेके आओ जो तुम्हारी पीठ पे थापी मारे, चल शेयर तू कर सकता है, जो तुम्हें एक्चुअली नई लड़कियों से बात करने में मोटिवेट करे, हेल्प करे, तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारे बारे में एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा ही बोले, ताकि तुम्हारे चांसेस हाई हो उस लड़की के साथ। तो भाई ऐसे दोस्तों से दोस्ती करो। और एंड के एंड में मैं बस ये बोल के वीडियो खत्म करूंगा कि भाई अपने लिए तुम लोग सीधा कटरीना कैफ और नोरा फतेही ना ढूंढो। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ऊपर वाले ने किसी लड़की को अगली या नॉट सो गुड लुकिंग, सब बहुत खूबसूरत है, सबको ऊपर वाले ने बनाया है, बट ऐसी लड़की जो तुम्हें लगता है नहीं भाई थोड़े एवरेज लुक्स की है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं होगा, भाई भले ही वो एकदम हॉट ना हो ब्रो, फिर भी तुम उसे जाके अप्रोच करो, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हो, तुम्हें धीरे धीरे अपने ऊपर भरोसा है। ये लास्ट पॉइंट ना भाई, मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूँ, ये लो चाबी भाई लड़कियां बटाने की। सो स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मल लुकिंग गर्ल्स, देन धीरे 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 भाई तुम्हारा भी लेवल बढ़ेगा, तुम्हारे भी स्किल्स बढ़ेंगे और तुम्हारे चांसेस भी हाई होंगे। और ये सब बकचोदी करने के लिए तुम लोग 3 या 6 महीने लगा दो, ताकि तुम लोग अपनी जिंदगी में लड़कियों से थोड़ी तसल्ली पालो भाई, और एक्चुअली अपने करियर पे ध्यान दो। मेरे भाई तुम सक्सेसफुल हो गए, और तुम्हारी सक्सेस के गीत जब पूरी दुनिया गाएगी ना भाई, तुम्हें जाके बात भी नहीं करनी होगी, लड़कियां खुद आएंगी, हाय माय नेम इज प्रिया ब्रो, कम ऑन, आई वांट यू टू गेट दैट एटीट्यूड इन योर सेल्फ। वेल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, मैं गारंटी देता हूँ भाई मैं तुम्हें इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करूंगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में, और हाँ नोटिफिकेशन वाली बेल को भी दबा देना मेरे भाई, ठीक है, लव यू। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही, आई विल सी यू ऑल, बाय।